राइट गाइस, तो यार हमने सिंपली स्टार को वहां पर सीधे ही 220 वोल्टेज ऐसी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के साथ में कनेक्ट कर दिया है। और जैसे ही हम वहां पर स्विच ऑन करेंगे, स्टार के अंदर बहने लगेगी 220 वोल्टेज वाली एसी करंट यानी कि बिजली। और गाइस यहां पर है हमारे पास एक कार बैटरी, और आइडिया यह है कि हम सिंपली इन दोनों तारों को सीधे ही इस बैटरी के साथ में कुछ इस तरीके से लगा देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है जब हम 220 वोल्टेज वाली ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को सीधे ही कार बैटरी के अंदर लगा देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट गाइस, तो सब तैयार है लेकिन मुझे सच में नहीं पता है कि ऐसा करने पर क्या होगा। मे भी बैटरी के अंदर कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे सच में नहीं पता है। तो चलो यार इस जगह से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। राइट गाइस, सब तैयार है? ठीक है, तीन गिन के स्विच को ऑन कर देना। ओके, मैं तीन गिन के स्टार्ट कर रहा हूँ। 3, 2, 1, पावर ऑन। ठीक है, वहां से बिल्कुल साइड में हट जा, वहां से दूर हो जा। ओके। ये सच में काफी बुरी स्मेल कर रही है। और गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेफ्टी केप होता है जिसके अंदर एसिड होता है वो उखड़ चुका है, और इसके अंदर जो भी एसिड था वो सारा एसिड बाहर आ चुका है और यहाँ पर गिर गया है। और गाइस ये जो बैटरी है ये आउट साइड से बुरी तरीके से फूल चुकी है और काफी बुरी तरीके से स्मेल कर रही है। और गाइस सबसे बुरी बात यह है कि हमने इसे बंद नहीं किया, बल्कि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सर्किट था सब उड़ गए, जो भी तार थे सारे जल गए। जी हाँ, ये सच है, जो भी तार थे सब बल्ब जल गए और बैटरी कैसी की तैसी हो गई। तो यार कुल मिला के किसी भी कार बैटरी हो या फिर किसी भी डीसी बैटरी को सीधे ही 220 वोल्टेज से कनेक्ट करना काफी ज्यादा बुरा आइडिया था। राइट गाइस, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ यार कि वहां पर क्या हाल हुआ। राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो तार हमने इस बोर्ड के अंदर लगाए थे वो ही जल चुके हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से चिपक चुके हैं। और गाइस जो हमारी मेन वायरिंग है उसका भी बुरा हाल है। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ से बुरी तरीके से एक शॉर्ट सर्किट हुआ है और यहाँ से ये तार बुरी तरीके से जल चुके हैं। और गाइस साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वायर था ये भी बड़े ही खतरनाक तरीके से जल चुका है। कुल मिलाकर यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मुझे यहाँ पर दोबारा से वायरिंग करानी पड़ेगी। और गाइस अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई भी आइडिया कितना खतरनाक हो सकता है। गाइस हम तो पूरी सेफ्टी के साथ जो भी काम करते हैं उसे करते हैं, इसीलिए आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ गाइस, किसी भी कार बैटरी को सीधे ही 220 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से तो कनेक्ट करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
नजर आ रहा है।